तंत्र होगा मतलब वहां षड्यंत्र होगा। अगर कोई आदमी ये दावा कर रहा हो, आप कहोगे पहचान कैसे करें, अगर कोई आदमी ये दावा कर रहा हो कि तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा या मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर दूंगा, समझ लीजिएगा दुनिया का नंबर वन ठग। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो कि हमारे दुखों को दूर कर सके। यहां तक कि भगवान भी आपके दुखों के बीच में आड़े नहीं आते, क्योंकि भगवान ने बुद्धि दे दी, काम खत्म। अब तुम जानो, तुम्हारी बुद्धि जाने, तुम्हें अच्छा कर्म करना है, जो करना है तुम करो, भगवान बीच में पड़ने वाले नहीं। सब कुछ तो कर्म पर निर्भर करता है, इसमें देवताओं को बीच में क्यों ले आते हो? लोग पता नहीं कितना कुछ लुटा देते हैं इन चीजों, ग्रह खराब चल रहे हैं, ग्रह खराब चल रहे हैं। ग्रह को मत सुधारो, अपने ग्रह अपने घर को सुधारो, सब ग्रह अपने आप ठीक हो जाए। सुख शांति सितारों में नहीं, सुख शांति ऊंचे विचारों में होती है। और कोई देवता भला आपका क्यों भी गलत चाहेगा, क्यों बिगाड़ेगा आपका? लोगों ने शनि देवता को बदनाम करके रखा है। शनि नाराज हो जाता है, शनि टेढ़ा चल जाता है। शनि देवता को क्या मतलब आपसे? शनि ठाकुर वैष्णवों में अग्रगण है, वो अपने प्रभु की भक्ति में मग्न, भक्ति करने दो उनको, आप अपना अच्छा कर्म करो, क्यों कोई देवता आपके कर्म के बीच में आए? अच्छा मुझे एक बात बताएगा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण दूं, आप खुद उत्तर दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ कोई माता जी सामने बैठी है, ये माता जी ने आज पीली साड़ी पहनी। मैंने कहा माता जी मुझे थोड़े पैसों की आवश्यकता, आप मुझे थोड़ा पैसे देंगी? तो माता जी ने पैसे दे दिए, मेरा काम चल गया। अब कल जब ये आई तो इनकी कपड़े का साड़ी का कलर चेंज है, ये आके मुझसे कहेंगी कल आपने मुझसे पैसे लिए थे, लाइए मेरे पैसे वापस दे। मैं को कौन से पैसे? ठीक है मैंने पैसे दिए थे कल। बोले नहीं नहीं मैंने तो पीले साड़ी वाले को पैसे लिए थे, जिसने पीली साड़ी पहनी थी, आपने तो पीली नहीं पहनी। तो क्या कहेंगी? अरे कपड़े ही तो बदले, मैं तो वही हूं, सिर्फ कपड़े बदले मैं नहीं बदले। वैसे ही क्या होगा, इस जन्म में किसी आदमी ने किसी के साथ धोखा किया, या तो बिजनेस में या रिश्तों में, किसी में धोखा हो गया, इस जन्म में वो इस दुनिया से चला गया, वो भी दोनों मर गए चले गए। अब इन दोनों की मुलाकात कहाँ होगी? लेकिन साड़ी का कलर चेंज होगा, यानी ये देह का शरीर का जो रूप है रंग है नाम भी कुछ और होगा, जन्म भी कहीं और होगा। लेकिन जो धोखा इस जन्म में दिया है, अगले जन्म में जा करके वो दोनों जो आत्मा है वो आपस में कैसे ना कैसे टकराएंगे, किसी भी रिश्ते में टकरा सकती है। कोई भी रिश्ता बन के, दोस्त बन के आ सकता है, पिता भाई पति बिजनेसमैन पार्टनर कुछ भी, और फिर वो अगले जन्म में आपको धोखा देगा। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी उसको धोखा दे चुके हैं। और जब वो आपको धोखा देगा तब आप क्या बोलेंगे? मैंने तो इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? अभी नहीं बिगाड़ा, कपड़े का कलर चेंज है, पर जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं धोखा करके बैठी है। अब बस आप इतना बता दीजिए, आपने धोखा दिया इस जन्म में, आपको उल्टा धोखा मिल गया, इसमें भगवान को बीच में पड़ना चाहिए या नहीं? क्यों? ये दोनों आप लोगों का संबंध है, आप निपटाइए। भगवान को क्या मतलब, ना वो आपका भाग्य लिख रहे ना वो आपकी किस्मत लिख रहे, आपकी किस्मत आप लिख रहे हो, अपना भाग्य आप लिख रहे हो। भगवान को मत कोसो, भगवान को मत कहो, देवताओं को मत कहो कि इन्होंने हमारा भाग्य ऐसा लिखा, प्रभु भाग्य बदल दो। आप बस भक्त का लक्षण है प्रभु का नाम भजना, फिर प्रभु जैसे भी रखे जहां रखे खुश रहो। एक आदमी पंडित जी के पास जाकर रोया, तो पंडित जी बोले तेरे ऊपर मंगल ग्रह चल रहा है, अब कोई पूजा पाठ करानी पड़ेगी, उसका खर्चा कितना होगा? बोले $100। उसने कहा महाराज
काम तो साधारण आदमी इतना नहीं, थोड़ा सा कम कर लीजिए। तो पंडित जी ने कहा चल ठीक है $50। उसने कहा महाराज गरीब आदमी हूँ कहाँ, थोड़ा सा और कम कर लीजिए, चल $10। ले इतनी महंगाई के जमाने में महाराज 10 कहाँ से आए, थोड़ा तो कुछ, चल $5 दे देना। बोले प्रभु बस अंतिम बार। बोले $1। बोले महाराज, तो पंडित जी क्या बोले, अब तू अपने घर जा, अगर तेरे पास $1 भी नहीं तो मंगल आ भी जा तो तेरा बिगाड़ेगा क्या, अब तू अपने घर बैठ शांति से, कोई देवता तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आप सबसे प्रार्थना करूं सही रास्ते पर चले, शॉर्टकट के लिए न भागे, जो सीधा रास्ता है, जो भजन का रास्ता है वो अपनाइए, इधर उधर मत भागिए, धोखा खाओगे और फिर जाकर के इससे क्या होता, हमारी संस्कृति बदनाम होती है। लोग कहते हैं आजकल के संतों का भरोसा नहीं, लेकिन उसमें कमी संतों की नहीं, हम जा जाके उन संतों के पास अपने स्वार्थ को लेके जा रहे हैं, तो वो क्या कर, आपके स्वार्थ को लेके आप वहां जा रहे हो, आपको उनसे कुछ चाहिए, कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, कुछ मंत्र चाहिए जो आपका भला हो जाए, आपको धन मिल जाए, तो वो फिर उस चीज का फायदा उठा लो, कभी संत के पास स्वार्थ से मत जाए, सिर्फ भक्ति के लिए जाइए, भजन के लिए जाइए। तो भोलेनाथ जी जाते हैं, माँ कौशल्या लाला के दर्शन कराती है, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भाइयों का प्रागट्य अयोध्या में होता है, चारों भाइयों के प्रागट्य के बाद उनकी कथा, उनका शिक्षा दीक्षा सब तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, किंतु हम समय अनुसार राम कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए, राम कथा को प्रणाम करते हुए कृष्ण कथा की ओर बढ़ेंगे। तो सभी भगवान श्री रामचंद्र उनका दिव्य जो दरबार सजा है, सभी एक बार जय घोष करते हुए बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तदुपरांत श्री सुखदेव जी अब कृष्ण कथा की ओर अग्रसर होते हैं, यानी अब किसकी कथा है, ब्रज के रसगुल्ला की। और रसगुल्ला जो है, मैं आपको एक रसगुल्ला खाने को दूं और फिर आपसे पूछूं, अब जरा हमको बताइए रसगुल्ला कितना मीठा था, कैसे बताओगे, बता सकते हो, आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे आप किसी को बता सको रसगुल्ला इतना मीठा था। आप बेशक रसगुल्ले पे पूरी पीएचडी कर डालो, लेकिन मुझे रसगुल्ले का स्वाद तब तक नहीं पता चलेगा जब तक मैं उसको खुद ना चखूं। तो वो ब्रज का रसगुल्ला वो कन्हैया कितना मीठा है, ये किताबों से नहीं पता चलेगा, ये शब्दों से नहीं पता चलेगा, जब तक खुद उसको अनुभव नहीं किया जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा। इसलिए अब तक जो आपने कथा सुनी, ये जैसे कोई घर बनाता है ना, तो उसमें नींव बन गई, घर बन गया, अब उसकी पेंटिंग की बारी है, अब उसको डेकोरेट करना है। 3 दिन जो आपकी कथा थी, तत्व ज्ञान हो गया, सब हो गया, अब जो आगे की कथा है वो प्रेम की कथा है, और अब कथा को सुनना नहीं है, अब कथा को देखना है, क्योंकि कृष्ण कथा सुनने में मजा नहीं आता, कृष्ण कथा को देखने में आनंद आता है। तो आपसे भूल जाइए, आप कैनेडा में बैठे हैं, कहाँ चलना है, ब्रज धाम, ठाकुर जी के ब्रज में जाकर के अपने आप को कोई एक गोपी बना लीजिए। भाई लोग भी, आप ये मत समझिए हम पुरुष हैं तो हम ग्वाला बन के जाएंगे, प्रभु के दरबार में गोपी भाव को ही प्रधानता दी गई, इसलिए आप भी गोपी बन जाए, भले मन से शरीर मत बदलिए, लेकिन भाव क्या हो, स्त्री जैसा, गोपी जैसा भाव। तो प्रभु के जन्मोत्सव की कथा श्री सुखदेव जी श्रवण कराते हैं, श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया, भूमि द्रक्त निरप्याचा दैत्यानेकस्तायुतहि
आक्रांता भूरी भारिना ब्रह्मनम शरणम ययु। पृथ्वी पर दुष्ट राजाओं का अत्याचार बढ़ा, इतना बढ़ा कि पृथ्वी सहन नहीं कर पाई। प्रभु की शरण में क्षीर सागर में गई। ब्रह्मा जी को साथ लेके, देवताओं को साथ लेके पृथ्वी भी गाय रूप धारण करके शरण में जाती है। प्रभु ने कहा जल्द ही मैं वसुदेव देवकी के घर अवतार लूंगा। कंस उग्रसेन का पुत्र कंस के चाचा देवक की पुत्री देवकी, जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। आकाशवाणी ने कहा कि देवकी का आठवां पुत्र कंस तेरा काल है। देवकी को मारना चाहा, लेकिन वसुदेव जी ने कहा कि हे कंस, देवकी के हर संतान को लाके हम तुम्हें सौंप देंगे। कंस मान जाता है। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध किया। माँ देवकी 7वां गर्भ धारण करने जा रही थी, किंतु भगवान ने उसे योग माया के द्वारा वसुदेव जी की ही दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया और श्री बलराम महाराज का प्रागट्य हुआ, जो देवकी की ही 7वीं संतान है। अब बारी आती है 8वें की, यानी श्री ठाकुर जी इस पृथ्वी पर अवतार लेने जा रहे हैं। इसलिए सब देवी देवता मिलकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आप अवतार ग्रहण करें। धीरे 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 समय बीता, श्रावण महीना गया, श्रावण बीता, भादो आया, भादो का पवित्र महीना आया। काल परम शोभन हो गया, सुंदर हो गया, सुहावना हो गया। सारे नक्षत्र ग्रह शांत हो गए, दिशाएं प्रसन्न हो गई, आकाश निर्मल हो गया, आकाश में दुमदुमिया गूंजने लगी, किन्नर्व गंधर्व गान करने लगे, रिद्धि चारण स्तुति करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। रात को ही सरोवर में कमल खिल उठे, पक्षी चहकने लगे, कलरव करने लगे, भंवरे गुनगुनाने लगे, गैया रंभाने लगी, मोर नाचने लगे, वृक्ष हवा के साथ झूम रहे हैं। आज कृष्ण आने जा रहा है। आज तक दुनिया हमारे नीचे बैठती थी, आज कृष्ण हमारे नीचे खड़ा होकर के, कदम पर खड़ा होकर वेणुनाद करेगा। गैया रंभा रहे हैं, आज गोपाल आने वाला है। पूरी प्रकृति ठाकुर जी के स्वागत में लग गई। घन आए और घनश्याम आए तो तन का ताप और मन का ताप दोनों नष्ट हो। यमुना में तूफान आ गया, नदियों में बाढ़ आ गई। भादो की अष्टमी को रात्रि को ठीक 12 बजे मथुरा के प्रांगण में, वसुदेव देवकी के घर माँ देवकी के प्रांगण में, कंस के कारागार में भगवान श्री बाल कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया। बोले बाल कृष्ण लाल की, अद्भुतम बालक मोहपुरेश। प्रभु का दर्शन करके माता पिता निहाल हो गए, धन्य हो गए। प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके श्री ठाकुर जी छोटी सी पालके में, टोकरी में उनको सुला दिया गया। वसुदेव जी ने उनको सर पर रखा और गोकुल की ओर चल पड़े। हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, सारे पहरेदार सो गए। आइए आप हम सब भगवान का स्वागत करते हुए प्रेम से स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा।
स्वागत होता है। गोकुल छोड़ के आए, योग माया को साथ लेकर के आए। अगर प्रातःकाल सुबह होते ही जैसे श्री यशोदा मैया के कक्ष के बाहर से बुआ सुनंदा जा रही थी, देखा छोटे से नन्हे से नीलमणि के समान चमकते हुए बालक सोए हैं। बुआ छत पर गई, जाके जोर जोर से थाली बेला बजाई और सभी ब्रजवासियों को बधाई दी। बधाई हो नंद बाबा के घर लाला भयो भे लाला। हम सबको भी मैया को बधाई देनी है, इसलिए दोनों हाथ उठा के, पूरे पूरे हाथ उठा के क्या बोलेंगे? बधाई हो यशोदा मैया, बधाई हो। आवाज आई, एक आशी तो नहीं है ना आज, कहीं व्रत हो आप लोगों का। भाभी के आए हो, भोजन मिलेगा आपको, बोलना बधाई हो, बस दोनों हाथ उठा के यशोदा मैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। आइए, गोपियों ने आकर के नंदोत्सव में आनंद लिया है। हम भी नंदोत्सव में गाएंगे, नृत्य करेंगे। आज तो अच्छे एनर्जी से आए होंगे, आज तो मुख्य उत्सव है तो सभी नृत्य करेंगे, हम नंदोत्सव मनाएंगे। घर जाने की जल्दी तो नहीं ना हम लोग को? चिंता मत करो, ज्यादा लेट नहीं होंगे, बस कुछ समय और। आज तो नंदोत्सव है, थोड़ा चलना चाहिए। 6 महीने चला था जब कन्हैया का जन्म हुआ था, 6 महीने, अब आधा घंटे तो चला सकते हैं। तो आइए, दो चार जो सूचना है वो सब हम प्राप्त करेंगे, उसके बाद सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर नृत्य करेंगे और हम ठाकुर जी के सामने नंदोत्सव का आनंद लेंगे।